हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेशन में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा 17 जुलाई 2023 का चौथा शिफ्ट। हम इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना, 40 सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें फिलहाल हम 17 जुलाई के चौथे शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। चौथे शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस में पूछे गए उन 25 क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे और उन्हें डिटेल्ड में समझेंगे क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन में, क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार हमारे गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल का ये हमारा शेड्यूल है जिसके बिहाफ पे हमारी क्लासेस रन होती हैं, आप इसे देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन शो हो और आप इजीली, आपको पता चल पाए कौन सी क्लास चल रही है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को और देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था चौथे शिफ्ट में 17 जुलाई में। पहला क्वेश्चन, इसे रीड करें और इसका आंसर बताएं भाई क्या है। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीप अपवाह तंत्र का भाग है? विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम? पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम की बात करें तो ये जो लिखा हुआ है पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है। फॉलोइंग ऑफ दीज में से, निम्नलिखित में से वो कौन सा समूह है जो इसका पार्ट है? तो ध्यान रखना, जो पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम है इससे होने वाली जो रिवर्स या नदियां हैं उनकी बात की जाए तो उनमें एक रिवर जिसका नाम है महानदी, महानदी, इसके अलावा गोदावरी, गोदावरी, देन नर्मदा, कावेरी। तो ये कुछ नदियों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, नदियों जो कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग हैं बेसिकली, ध्यान रखना। और फिलहाल हमें इनमें से देखना है क्या कोई ऐसी रिवर है जो हमारे इन ऑप्शंस में लिखी हुई है। तो आप ध्यान रखना, महानदी और गोदावरी ये दोनों लिखा हुआ है तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे हम हमारे दूसरे क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा और डिटेल्ड भी आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ। भाई अगर पूछा जाए संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बेसिकली म्यूजिशियन शिवमणि ये किस इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएट है, अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान रखना ये जो शिवमणि है, शिवमणि, आप ध्यान रखिएगा शिवमणि की, तो 2008 से लेके 10 तक इन्होंने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इस सेशन में ड्रम बजाने का काम किया था, बजाने का कार्य किया था। तो बेसिकली आप ध्यान रखना ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्रम, इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्रम। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस तीसरे क्वेश्चन को हमें रीड करना है और इसका आंसर करना है। भाई तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपसे क्या पूछा गया है तो आप ध्यान रखना, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका और कौन थे? Who was the behind publishing the first newspaper? तो ध्यान रखना, भारत में जो सबसे पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था या इशू किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्स के द्वारा, हिकी के द्वारा, है ना? यानी पहला ही है इस क्वेश्चन का आंसर, ये तीनों नहीं हैं। इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया जिसको नाम दिया गया हिक्की बंगाल गैजेट।
हिक्की बंगाल गैजेट के नाम से इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और ये भारत में इशू किया जाने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर था, जो कि 1780 में, कब तो 1780 में स्टार्ट किया गया, 1780 में पहला समाचार पत्र ये पहला समाचार पत्र था जो 1780 में इशू किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिके बंगाल गैजेट के नाम से, बंगाल गैजेट के नाम से इन्होंने इसे स्टार्ट किया, गैजेट के नाम से इन्होंने इसे स्टार्ट किया, ध्यान रखना। और इसे स्टार्ट करने वाले कौन थे, जेम्स ऑगस्ट हिकी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। देन हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और वो होगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। भाई चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे और इस चौथे क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वन फील्ड अंपायर ए ऑन फील्ड अंपायर क्रिकेट मैच, एक जो क्रिकेट मैच होता है ना, उस क्रिकेट मैच में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं। बेसिकली ध्यान रखना, अगर हम बात करें जो ये ग्राउंड होता है हमारा क्रिकेट का, उसमें आपने देखा होगा ये बेसिकली हमारी, बेसिकली इसको बोला जाता है ग्राउंड को पिच, जहां पे ये क्रिकेट खेला जाता है, जहां पे ये क्रिकेट खेला जाता है ना, और जिसमें इस प्रकार से ये विकेट होते हैं, इस प्रकार से ये विकेट होता है, जहां पे ये विकेट लगे हुए होते हैं, बेसिकली जहां से ये क्रिकेट मैच खेला जाता है। बेसिकली आप ध्यान रखना, एक अंपायर आपका यहां पे खड़ा मिलेगा जहां से बॉलिंग एंड पे, और एक एम्पायर आपका ध्यान रखना बेसिकली उसके लेग साइड में खड़ा हुआ मिलता है। तो एक एम्पायर यहां और एक एम्पायर यहां खड़ा होता है। ऑन फील्ड में कितने एम्पायर होते हैं, तो दो एम्पायर होते हैं। जो थर्ड एम्पायर होता है वो ध्यान रखना ग्राउंड में मौजूद नहीं होता, तो आप भूल कर भी इसका आंसर तीन मत दे देना। थर्ड एम्पायर जो होता है वो ग्राउंड के बाहर होता है, ग्राउंड के बाहर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। भाई ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें देखेंगे क्या पूछा गया, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। नाना साहेब आ रिबेल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा। भाई यदि हम बात करें बाजीराव द्वितीय के, बाजीराव सेकेंड के बेटे या सन, जिनका नाम क्या था, नाना साहिब, जिनका नाम क्या था, नाना साहिब। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे और ये बेसिकली ये क्या थे, इनके अडॉप्टेड सन थे, ध्यान रखना। नाना साहिब जो है ना, ये क्या थे, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड सन, ठीक है, गोद लिए हुए बेटे थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय यानी ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, बाजीराव द्वितीय। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और ये है हमारा छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। भाई छठे क्वेश्चन की बात की जा रही है, यहां पर पूछा गया है द फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। भाई भारत का जो आर्टिकल है 51A में, इसके अंतर्गत जो है ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया है। और भारत में 1976 में 42वां संशोधन किया गया, संशोधन जिसके आधार पर इसमें कितने, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया। और इस वक्त ध्यान रखना इसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी, कमिटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी या जिसे हम बोलते हैं कमिटी बनाई गई थी, ये समिति या कमिटी बनाने का या इस समिति का हेड कौन था, तो इसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है भाई, इनका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक,
तो ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, इनकी बात की जाए 1976 में 42वां संशोधन जो किया गया था उसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे अनुच्छेद आर्टिकल्स में एड ऑन करने के लिए किया गया था। यह है क्वेश्चन और यह है इसका डेटा जिसे आपको करना है नोट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज से जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। भाई जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1956 में निम्नलिखित में से किस को खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड सॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउजर ब्रिटेन को संयुक्त रूप में भौतिक का एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भाई मैं अगर बात करूं बार्डिन फोर्ड की, बार्डिन फोर्ड सॉकले और उनके दो स्टूडेंट, बार्डिन फोर्ड सॉकले और उनके दो स्टूडेंट जॉन बार्डिन एंड वाल्टर होस, ये बेसिकली ध्यान रखना अगर हम बात करें इन तीनों को 1956 में 1956 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और यहां पूछा गया ये नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था उनको, नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था फिजिक्स में, ऐसी क्या डिस्कवरी की थी इन्होंने, तो डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्ट इफेक्ट, जो ट्रांजिस्टर होता है ना इसके प्रभाव की खोज की थी इन तीनों ने मिलकर, ट्रांजिस्टर के प्रभाव की खोज की थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। भाई नोबेल प्राइज की बात की जाए तो आप ध्यान रखना नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी, और बेसिकली ध्यान रखना अगर हम बात करें तो ये अल्फर्ड नोबेल के नाम से की गई थी। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होते हैं, भाई श्रीनगर में होते हैं, नैनीताल में भी होते हैं, शिमला में भी होते हैं, तो इसका लास्ट आंसर क्या बचता है, ऊटी। ऊटी की बात की जाए तो आप ध्यान रखना ऊटी, ठीक है भाई, ये बेसिकली नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, पर्वत श्रृंखला में या नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियां ये कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है भाई, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और बेसिकली ऊटी एक ऐसा स्थान है जहां पे बर्फबारी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का यही सही जवाब होगा ऊटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नाइन्थ क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन आ जाए भाई, नौवां क्वेश्चन। इसमें मेल यानी मिलाप करना है, कौन सा किसके साथ मैच खाएगा इसे हमें समझना है, इस क्वेश्चन का इसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। आपसे पूछा गया सबसे पहला, तो ये जो नीला हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसका क्या नाम है, उसे क्या बोलते हैं, सार्गसम या क्लेमिडोमोनास या रोडोफाइटा या फिर क्या बोलते हैं साइनोजीवानो, तो ध्यान रखना है इसका क्या नाम होगा भाई, पहले का मेल होगा चौथे के साथ, ठीक है भाई, और दूसरे का मेल होगा लाल सेवाल तीसरे के साथ रोडोफाइटा, और तीसरे का मेल होगा दूसरे के साथ और लास्ट वाला यानी भूरे का मेल होगा सार्गेशम का ध्यान रखना। तो बेसिकली इस प्रकार से इसका मेल होगा। अब आपको ये चेक करना है पहले का चौथा यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाइन्थ क्वेश्चन का जो मेल खाएगा वो होगा सी। देन हम देखेंगे टेंथ यानी दसवां क्वेश्चन। भाई अब हम देखते हैं हमारे दसवें क्वेश्चन को। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रवासों का नाम बदलकर रखा गया है, स्कूल एंड होस्टल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा स्कीम, एक योजना स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम एक ऐसी योजना स्टार्ट की गई है जिसके तहत यहाँ पे इन सभी हॉस्टल और स्कूलों के
जो नाम है वो बदलकर किन के नाम पर रखे गए हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखे गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की आजादी में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, आजाद हिंद फौज जिसे लेकर ये भारत आए बर्मा के रास्ते से, और उन्होंने डट कर सामना किया अंग्रेजों का, ध्यान रखना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उससे पहले आप सभी के लिए गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसके काफी अच्छे रिस्पॉन्स के कारण इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और इसकी डेट को बढ़ा के आप ध्यान रखना 7 सितंबर कर दिया गया है। 7 सितंबर तक के लिए आप इसका फायदा या लुत्फ उठा सकते हैं इसके, इस सीरीज का। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आप ध्यान रखिएगा, 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे और स्पेशलाइजेशन है फोर्स यहाँ पे टायर 2 के लिए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द इस सीरीज को लें। नेक्स्ट हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन भाई, आपसे पूछा गया अशोक सेंट अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। अशोक जो कि एक महान शासक बने, इनके पुत्र यानी जिनका नाम क्या है तो महेंद्र, इनके पुत्र महेंद्र और इनकी डॉटर जिनका नाम है संघमित्रा। भाई इन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को, अपने पुत्र और पुत्री को किस नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए एक मिशन पर श्रीलंका भेजा? कहां भेजा भाई? श्रीलंका भेजा। एक मिशन पे ये लोग कहां गए थे? श्रीलंका गए थे और अपने इस धर्म प्रचार को बढ़ाने के लिए गए थे, ध्यान रखना। अशोक जो अपने समय के महान शासक थे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 12th यानी 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, इस 12वें क्वेश्चन में हमें रीड करना है फिर इसे इसका आंसर करना है। भारतीय संविधान की 3 सूचियों के संबंध में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर कॉल्ड रेजिडेंसी सब्जेक्ट। वे विषय जो 3 सूची में से किसी में भी शामिल नहीं है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा डैश के बाद दूसरी हम इस कंडीशन को पढ़ते हैं, यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोध है तो पहले वाला प्रभावी माना जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा, इसमें क्या बोला गया, जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए और बी। अब आपको ये ढूंढना है कि ये कहां पर है ए और बी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब हमें देखना है 13वां क्वेश्चन। अब देखें इस 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 13वें क्वेश्चन में पूछा गया BFSI या जिसे हम बोलते हैं स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और बेसिकली ध्यान रखना अगर हम बात करें तो इसका ये पूरा नाम है, ठीक है भाई। इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? IRDAI का होता है, ध्यान रखना। इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है भाई?
IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 14 यानी 14वां क्वेश्चन। भाई ये जो 14 क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना था। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन द सेंसस ऑफ 2011। भाई 2011 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कितना था ये आपको बताना है। क्या वो 814 प्रति हजार था, 941 या 914? आई थिंक 914। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। या ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यदि हम बात करें भारत की जो पुरुष और महिला के प्रति, यहां पे ध्यान रखना सेक्स रेशो की बात की जाए तो प्रति पुरुष के ऊपर महिलाओं की संख्या वो कितनी थी? 943 प्रति हजार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों के हिसाब से देखें तो 914 प्रति हजार, ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 यानी ये 15वां क्वेश्चन, क्या पूछा गया इस 15वें क्वेश्चन में, इसका आपको आंसर करना है। 15वां क्वेश्चन, व्हाट हेल्प मेकिंग द एसिडिक फूड एल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टोमैक। निम्नलिखित में से क्या आमाशय से अपने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है? बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना पित्तरस के नाम से जानते हैं, तो ये पित्तरस ध्यान रखना यकृत या जिसे बोलते हैं लीवर में, यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा ये जो पित्त रस है ये बेसिकली बाइल जूस बनने का काम करता है। ध्यान रखना यकृत जो है के द्वारा इसे बनाया जाता है और ये बेसिकली यकृत के द्वारा बनाया जाता है और जहां पर ये जाके इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं? पित्त रस थैली, पित्रस थैली के नाम से उसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला ही क्वेश्चन हम देखेंगे 16 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। भाई 16 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, तो इस 16वें क्वेश्चन को रीड करें और इसका आंसर आपको बताना है भाई। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या है 16वें क्वेश्चन का आंसर। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किया जाता है? ध्यान रखना विशिष्ट सैन्य में यदि हम बात करें ये जो मेडल दिया जाता है बेसिकली ये एक प्रकार का सैन्य पुरस्कार है। क्या है? सैन्य पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार, जिसमें ध्यान रखना अगर हम बात करें ये जो परमवीर चक्र है ना, जिसे हम बोलते हैं परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सर्वोच्च सम्मान है। सम्मान भाई ये सर्वोच्च सम्मान है, दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बेसिकली ध्यान रखना ये सैन्य पुरस्कारों में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है जिसे हम परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं और 2023 में ये 21 लोगों को दिया गया है। प्रति वर्ष परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये बेसिकली किस उत्सव के दौरान दिए जाते हैं? तो भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर दिए जाते हैं। रिपब्लिक डे के अवसर पर ये दिए जाते हैं बेसिकली ध्यान रखना। ठीक है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र बांटे जाते हैं, दिए जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने सैन्य में उत्कृष्ट कार्य किया है और किसी भी वीर व्यक्ति को वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना इस 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट हम देखेंगे 17 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। आपको इस 17वें क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। पद्मश्री अवार्ड इन 2022, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया अर्जुन सिंह ध्रुवे को, जो कि एक ट्राइबल डांसर थे, और आपको बताना है विच डांस फॉर्म। भाई 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक थे? किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक थे, यह आपको बताना है भाई, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली एक ट्राइब्स है जिसे बोला जाता है बाइगा, बेगा, बेगा ट्राइब्स। भाई ये जो बेगा ट्राइबल है इससे ये संबंधित है, और इनके द्वारा जो एक डांस फॉर्म किया जाता है जिसे हम बोलते हैं दादरी, दादरी डांस, दादरी है डांस फॉर्म। और यह नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। यह नृत्य कहां पर होता है? तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है बेसिकली। इस 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या था भी? ऑप्शन ए। देन हम देखेंगे हमारा 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बोरगीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बोरगीत किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय या जो कि असम में, असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य जिसे हम शास्त्रीय के नाम से जानते हैं, इसी में ये बोरगीत जो कि इसका इस नृत्य की शैली से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य शैली से ये संबंधित है जो कि असम में होने वाला ये शास्त्रीय नृत्य है। देन हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहां आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 नवंबर 2022 में, 7 नवंबर 2022 में दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया, और आपको बताना है ये कौन सा पर्व था, कितने नंबर का पर्व था। तो आप ध्यान रखना 2022 में 7 नवंबर 2022 में ये जो पर्व मनाया गया था ये 553वां गुरु नानक देव जी पर्व था, ध्यान रखना। यदि हम बात करें गुरु नानक जी की, गुरु नानक जी की, तो आपको पता होगा ये सिखों के पहले गुरु हैं, माने जाते हैं ना, सिखों के पहले गुरु, ठीक है भाई, सिखों के पहले गुरु के रूप में ये माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 20वां क्वेश्चन भाई। इस 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका आंसर करके बताना है आपको। 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, जिसे हम गुलामों का गुलाम, अलाउद्दीन खिलजी खुद गुलाम था, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी, और इसका जो गुलाम था उसका क्या नाम था? मलिक काफूर, मलिक काफूर। तो ऐसी कहावत है कि इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, मलिक काफूर को गुलामों का गुलाम। और इसके द्वारा ध्यान रखना, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया था, खिलजी सेना का नेतृत्व किया था 1303 और 1304 में, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, मलिक काफूर, मलिक काफूर, जो कि सेनापति था किसका? खिलजी का,
अलाउद्दीन खिलजी का। भाई जब अलाउद्दीन खिलजी का स्वास्थ्य बिगड़ा, तो स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद ये दिल्ली वापस आए, और दिल्ली वापस आए बट ध्यान रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उसके पश्चात जैसे ही उसके बेटे गद्दी पर बैठे, इन्होंने छल से उनसे गद्दी छीन ली और ये खुद गद्दी पे जीत गया, बैठ गया मलिक काफूर। एक महीने तक रहा बट उसके बाद फिर इनके खिलजी के जो पुराने अंगरक्षक थे उनके द्वारा इसे मार दिया गया, और फिर मुबारक शाह को, आई थिंक ध्यान रखना, जो इसके बेटे थे उसे बिठाया गया इस गद्दी पर। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमी सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमित्रा स्कीम के नाम से एक योजना चलाई, जिसमें महिलाओं या महिला सशक्तिकरण या महिला को रोजगार प्रदान करना, ये बेसिकली इस योजना का उपलक्ष्य या महत्व था। 22वां क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, भाई देखो इस 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया गहन कृषि क्या होता है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई खेत है ना, उस खेत में बहुत सारे लोग जब काम कर रहे हो, तो कम खेत में अधिक जनसंख्या जहां पे कार्यरत हो, ऐसी खेती को हम गहन खेती कहते हैं। यहां क्या लिखा है इसने, कृषि के अंतर्गत अधिक भूमि लाना, गलत। फिर पूछा गया श्रम और पूंजी के काफी कम निवेश के साथ बड़ी खेती करना, गलत। तीसरा क्या पूछा गया, कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश करना, सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। भाई जैसे आपको मालूम हो चाय की खेती जो की जाती है वो कम जगह में अधिक लोगों को काम पे रखा जाता है, अधिक लोग कार्य करते हैं, तो बेसिकली वो गहन खेती कहलाती है। 23rd क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, भाई ये जो 23वां क्वेश्चन है यहां पे आपसे पूछा गया, ध्यान रखना इस 23वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। भाई 23वें क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, बेसिकली 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। भाई भारत जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है 2024 में, ठीक है भाई 2024 में। और यहां पे ध्यान रखना 2031 में फिर से भारत के द्वारा वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है भाई। इससे पहले 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा वो बेसिकली साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है भाई। ये वो कंट्रीज है जिनके द्वारा 2027 वाला होस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर बारी आएगी किसकी, दोबारा से इंडिया की। ये है 23rd क्वेश्चन। अब देखेंगे हम 24th क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भाई आपसे पूछा गया यदि सरकार का राजस्व व्यय, यदि रेवेन्यू रिसीप्ट ज्यादा हो जाते हैं किससे, यदि सरकारी राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है किससे, राजस्व आय से, ठीक है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, देखो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है इसे समझना, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू इनकम कम हो, और यही चीज यहां लिखी गई है, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीप्ट क्या हो, कम हो। इस क्वेश्चन का आंसर भाई, जब राजस्व खर्चे ज्यादा होंगे और राजस्व प्राप्तियां होंगी कम, दैट मीन्स हमें होगा घाटा, क्योंकि हम राजस्व की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कैसा घाटा कहलाएगा, राजस्व घाटा।
ठीक है, घाटे तीन प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा, दूसरा जिसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा के नाम से हम जानते हैं। 25वां क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक साइज एज यू डाउन द ग्रुप। भाई अगर कोई भी समूह नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, जैसे जैसे परमाणु नीचे जाएगा उसका जो आकार है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि तत्वों के परमाणु में कक्ष की संख्या बढ़ती है। ध्यान रखना, क्योंकि तत्वों में परमाणु के कक्ष की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से ये इंक्रीज होता है, क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने हमारे फोर्थ शिफ्ट 17 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट को डिस्कस किया और उसके सभी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम एज सुन एज आपके उस कमेंट का आंसर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।